lost in your eyes, under your spell. Good morning, welcome back to a new vlog. है post children's day, मतलब children's day के बाद वाला दिन. तो children's day के बाद वाला दिन as normal as every day होने वाला है. मतलब जैसे मेरा डेली रूटीन है, सुबह उठो, रेडी हो, स्कूल जाओ, स्कूल से आउट, फिर थोड़ा खाओ, फिर रेडी हो ट्यूशन जाने के लिए, फिर ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन से आओ. बट आज मुझे एक्सट्रीमली ज़्यादा टाइम निकालना है, क्योंकि कल निप्पी दीदी का बर्थडे, तो हमको उनके लिए गिफ्ट चूज़ करने भी जाना है, एंड ऊपर से हम लोगों को उनके लिए कार्ड भी बनाना है. मैं कार्ड बनाऊंगी, मतलब स्टार्टिंग का थोड़ा मम्मी कर देगी, क्योंकि मेरा मैथ का थोड़ा असाइनमेंट है जो कि मैं कंप्लीट कर दूंगी. एंड उसके बाद मम्मी मेरा टिफिन पैक करते हो. क्या है मम्मी आज टिफिन में? सैंडविच. सैंडविच, और एप्पल एक छोटी सी डिब्बा मैं दूंगी, वो कंप्लीट कर देना. ठीक है. तो देखो फ्रेंड्स, मैं ये सब डिब्बा खरीदी हूँ बाहर से, क्योंकि हमारा उसमें से कुछ कुछ डिब्बे को मैं हटाने वाली हूँ और ये न्यू डिब्बा मैं रखने वाली हूँ. तो ये सारा मैं धो ली हूँ, और ये वाला मैंने खुद मतलब इसको सेट की हूँ. सेटअप बॉक्स 10 है, मतलब इस तरह का से ऐसे प्रोसेस लिखा था, तो मैंने ये खुद बना लिया, इसको मतलब अरेंज कर दी हूँ इंस्टॉल. बस उन लोगों को बोलूँगी जो काम कर रहे हैं इसको यहाँ फिट करने के लिए, और अभी भी काम चल रहा है, वो लोग बाहर कर रहे हैं कुछ कुछ. तो हमारा किचन वैसा ही है, देखिए जब होगा फिर ये सारा सामान जाएगा. तो अभी हम लोग आ गए हैं एक पास वाले दुकान खुलाने. हाँ, तो निपी दीदी के लिए गिफ्ट तो अभी ज़्यादा कम ये नहीं है. मैं तो सोच रही हूँ आज ट्यूशन ना जाऊँ, मजा करो. प्लीज नहीं, गिफ्ट खरीदने के लिए कौन ट्यूशन नहीं जाता, ट्यूशन से आने के बाद खरीद सकती हो. देखा उनका मुंह, देखा प्रैंक कर रही हो. अभी तक तो हम लोगों ने नहीं लिया है दीदी का गिफ्ट, तो मैं जब ट्यूशन से वापस आऊँगी तब हम लोग. क्यों इधर खाना खिलाने लाई हूँ पता है? एडिटिंग करोगे, और घर में काम चल रहा है किचन में, ना चाय बना सकते हो ना कुछ, दूध गर्म कर सकते हो. काम चलेगा, काम खत्म होगा तब जाके रात के 9-10 बजे खाना बनेगा, है ना? भूख लग रही है जोर, तो अंकल को बोलो जल्दी से खाना देंगे. अब मम्मी का आ चुका, मेरा नहीं आया. खाओ खाओ, जानबूझ के नॉन वेज मंगाई ताकि मैं ना खा पाऊँ. मेरा वहाँ बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा. अंकल ने बोला आपका पहले क्यों आया, ना इंसाफी है. वी नीड इंसाफ. बहुत टेस्टी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. आया पनीर रोल. जल्दी जल्दी खाओगे ये माँ, तुम जितना हो तुम्हारा रोल उतना बड़ा. सो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशी को ट्यूशन छोड़ के और निप्पी दीदी के लिए गिफ्ट खरीद के घर आ गई. तो फिर काम चल रहा था, ये काम जब ख़त्म हुआ उसके बाद मैं जाके खाना बनाऊंगी. तो रात के 8:30-9 बज जाता है, और जब मैं प्रियांशी को लेने गई ट्यूशन से, मतलब रिटर्न लाने गई 9 बजे, फिर हम लोग केक शॉप गए, और ये प्रियांशी उसके दीदी के लिए चूज कर रही थी कौन सा केक लाएगी. इधर कुछ नहीं, मैं में कार्ड कैसे दीदी के लिए अच्छा सा चूज बनाऊंगी, और ये पेस्ट्री खा. इवनिंग को तो खाई थी रोल, मतलब सब अनहेल्दी ही खा रही है आजकल प्रियांशी, कुछ भी हेल्दी नहीं खा रही है. जिस दिन हेल्दी खाती उस दिन खाती नहीं. और डिनर कल मैं चावल खाई थी, उसके पहले वाले दिन रोटी खाई थी. कल रात को दो दिन से हेल्दी खिलाई जा रही हूँ. कल रात को चावल खाई थी, कुछ शर्म कर. चावल खाई थी कि कल भी अनहेल्दी खाई थी और आके फिर मैगी खाई? कल मोस्ट ऑफ द डेज यू ईट अनहेल्दी. ओके, नो क्या नो.
और अनहेल्दी खा खा के जब तबीयत खराब होगा तो मुझे बहुत बोलना। और आज इसके चक्कर में मैं भी चाउमीन खाई हूँ फ्रेंड्स, मेरा पेट भी गड़बड़ लग रहा है। तुमको खिलाने गई तो वहाँ देखने से मन नहीं लगेगा किसी का, बताओ। तुम अगर घर में दूध बिस्किट खा के जाती तो मैं भी मुढ़ी खा के रह जाती ना। हाँ, तुमको अगर खिलाने अगर नहीं लेती दुकान तो मैं खाती क्या, बताओ खुद। खत्म हुआ तुम्हारा जो जो बनाना था कि नहीं हुआ है? हो गया, इसको बस रखना है। और फ्रेंड्स ये मैं एडिट कर रही थी, मतलब प्रियांशी का जो कल वीडियो आएगा, और चावल भी चुन रही थी, लेकिन रात के बज चुके हैं अभी 11। और हम किचन का मैं दिखा देती हूँ जो काम हुआ है, मतलब डोर लग गया आज। देखिए ये एक डोर नहीं लगा, वो लगाएंगे, और इधर का भी लग गया है। वो लोग बोल रहे हैं कल, मतलब जो रैक होता है ना वो बना देंगे तो ख़त्म। इधर तो रैक नहीं बनेगा, ये बस ऐसे ही डोर लगेगा, इधर का इधर रैक नहीं बनेगा, बस ऐसे ही ये क्लोज रहेगा, वो दोनों में बनेगा, मतलब रैक जिसमें मैं डिब्बा फिब्बा रख पाऊँ। और इतना सारा बर्तन हमारा सुबह से डाला था तो सारा को मैं धो ली, और इतना अभी पड़ा है अभी, लेकिन आलस लग रहा है, ये नहीं धो पाऊँगी, सुबह जाके धोऊँगी। और प्रियांशी भी खाई नहीं पे, मतलब हाँ जो खाई थी वो रो डिब्बा को, वही हाल में है। और उन लोगों को बोली थी ये फिट करने के लिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो हमारा सेटअप स्टैंड आज फिक्स हो नहीं पाया। और इतना सारा डिब्बा जो खरीदी थी मैं, सारे को धो के मैं सुखा दी हूँ, जो कि ये करेंगे। निमो फ्रेंड्स लोगों को गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, कीप वॉचिंग। निमो बोले कि प्रियांशी बोले? निमो बोले। फ्रेंड्स लोगों को बोल दो निमो गुड नाइट, कीप वॉचिंग, लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, बाय। निमो का वॉइस ऐसा हो गया कब से।